हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट से संबंधित सभी प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक चैप्टर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, यदि आपने उसे नहीं देखा है तो चैनल पर विज़िट करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। यह चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है और आपके आगामी सभी एग्जामिनेशन के लिए यह इम्पोर्टेंट होगा। वैसे भी आपको पता होगा कि जो बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है, उस बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपसे 50% ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और इस चैनल पर जो भी वीडियोज़ आते हैं ऑब्जेक्टिव या क्लास टेंथ से संबंधित, आप उसको अगर करते चलते हैं तो मैं श्योर करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आपको 50% लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर क्या है? तो देखो, बेकिंग पाउडर को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। तो याद रखिएगा, बेकिंग पाउडर क्या है? एक मिश्रण है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित में कौन क्षारक है? ठीक है, तो जिंक ऑक्साइड जो है एक प्रकार का क्षारक है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन ज़्यादा है तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर बताते हुए चल रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखो, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7। वैसे पीएच स्केल दिया किसने था? सोरेनसन ने। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, यहाँ पर 0 और मैक्सिमम लेवल जो है 14 है, 14 है, मिड का 7 है। अगर किसी पदार्थ का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वह क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा, ठीक। और अगर 7 से अधिक है तो वो हो जाएगा बेस, ठीक है। और अगर 7 है तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। मतलब अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 7 है तो वो उदासीन होगा, 7 से कम है तो अम्लीय है, और 7 से जितना कम होता जाएगा अम्लीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से अधिक है तो क्षारीय है, जितना 7 से अधिक होता जाएगा अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। और याद रखिएगा, जितना अधिक जाएगा, यानी अगर पूछ लेगा कि बताओ 7 के बाद 8 आता है, तो जिसका पीएच मान 8 और जिसका पीएच मान 14 है, दोनों में कौन प्रबल क्षारक है? तो जितना आगे बढ़ता जाएगा वो प्रबल क्षारक, यानी 14 वाला प्रबल क्षारक होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, बी करेक्ट आंसर। अगला है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक को कहा जाता है क्षार, तो कौन सा आंसर सही होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तनु HCl का पीएच मान होगा, तो देखो सिंपल सी बात है, तनु HCl जो होता है वह एसिड है। क्या है? एसिड है, और यह काफ़ी हार्ड एसिड होता है, यानी इसको हम प्रबल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। यही HCl जो है हमारे स्टमक से स्रावित होता है और फूड पार्टिकल्स को तोड़ने में मदद करता है, यानी अमाशय से स्रावित होता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। अगर HCl के पीएच मान की बात किया जाए तो HCl का जो पीएच मान होता है वो 0 होता है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो याद रखिएगा, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं। क्या होते हैं? क्षारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो आप देख लो, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये अम्ल है HCl, ये क्या है? अम्ल है। याद रखना, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है और साथ साथ म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो कहा ही जाता है, इसको साथ में म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है। आगे है, सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl का रंग क्या होता है? तो देखो, सिल्वर क्लोराइड, या मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, सीधा देखो, चांदी जो होता है श्वेत होता है, तो श्वेत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? श्वेत। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे है, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? ठीक है, तो सबसे अधिक अम्लीयता की बात करेंगे तो सबसे अधिक अम्लीय हो जाएगा यहाँ पर पीएच वैल्यू जिसका 1 होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, देखो यहाँ से 1 से लेकर के 14 तक, यहाँ पर 7 जो होगा न्यूट्रल होगा, 7 से जितना कम आते जाओगे वो उतना ज़्यादा अम्लीय होता चला जाएगा। तो सबसे कम कौन सा? 1 ही है ना, तो यही हो जाएगा सबसे ज़्यादा अम्लीय। और अगर पूछ लेगा सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन, तो ऑप्शन डी में देखो, पीएच वैल्यू 10 है तो ये सबसे अधिक क्षारीय हो जाएगा। आगे है, निम्नांकित में कौन लवण है? तो लवण की बात करोगे तो NaCl क्या है? एक लवण है। याद रखना, टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, NaCl को, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा।
और इसी को बोलते हैं साधारण नमक। जो हम लोग नमक खाने के लिए यूज करते हैं वो उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो देखो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4, क्या H2SO4, तो बी ऑप्शन में है H2SO4, याद रखना है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है Na2CO3। और ये तो हो गया सोडियम कार्बोनेट रासायनिक नाम, व्यापारिक नाम बोला जाता है इसका धोवन सोडा, ठीक है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। अगला है निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो देखो आयनिक यौगिक से संबंधित मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था पहचानने का तरीका। तो दो तत्व अब याद रखोगे, एक तो सोडियम याद रखोगे, एक क्लोरीन याद रखोगे, क्योंकि मैंने 10वीं कक्षा को 7 वर्षों से मैं पढ़ाता रहा हूँ, 7 या 8 वर्षों से, तो इतना अनुभव है कि आपके बुक में मैक्सिमम जो है सोडियम और क्लोरीन से संबंधित ही आपका एग्जांपल दिया गया है, तो एग्ज़ाम में भी इसी से संबंधित एग्जांपल रहेगा। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में सोडियम या क्लोरीन रहेगा आप आँख बंद करके लगा देना आयनिक यौगिक। मिथेन में इसमें है ही नहीं, बी में देखो है ही नहीं, डी में है ही नहीं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड एक प्रकार का आयनिक यौगिक है, बाद में के सब कौन सा है, सहसंयोजक बंधन वाला है। आगे है NaOH है क्या, ठीक है, तो NaOH क्या है, तो देखो OH ये हो गया अल्कोहल, ये क्या हो गया अल्कोहल, आप लोग जो शराब की बात करते हो वो होता है अल्कोहल, ठीक है, और शराब का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो केमिकल नेम होता है वो होता है इथाइल अल्कोहल, ठीक है, क्या होता है इथाइल अल्कोहल। तो जिस भी केमिकल कंपाउंड में अगर OH लगा हो तो आप सीधा समझ जाना कि वो कौन सा होगा, क्षार होगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है, तो फेरस सल्फेट, फेरस का मतलब लोहा, फेरस का मतलब लोहा, आप याद रखना फेरस जिसमें भी लगा होगा मैक्सिमम जो होता है उसका कलर हरा ही होता है मैक्सिमम, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, अगर नहीं पता है तो फेरस वाले में आप अक्सर जगह हरा लगाना, और अगर हरा ऑप्शन में नहीं है तो लाल लगाना, ठीक है, लेकिन इसमें आपको हरा दिया हुआ है तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है जल का पीएच मान होता है, तो देखो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, तो अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि जल का पीएच मान तो 7 हो गया, तो बताओ जल की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन, आप हमें कमेंट करके बताओ इसका आंसर। आगे है निम्नांकित में कौन एक अम्ल है, ठीक है, तो देखो अम्ल कौन सा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही म्यूटेरिक अम्ल कहा जाता है। अगला है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का पीएच निम्नांकित में से क्या होगा, याद रखना एक होता है अम्ल और एक होता है क्षार, ठीक है ना, एक क्या होता है अम्ल और क्षार, जो अम्ल होगा वो बना देगा लाल, क्या बना देगा लाल, नीले को लाल, आम, अम्ल से आप याद रखो आम, आम कैसा होता है लाल, आम पकने के बाद लाल होता है ना, आम पकने के बाद लाल होता है, आम पकने के बाद लाल होता है, तो कोई भी अम्लीय पदार्थ होगा वो नीले लिटमस को कैसे बदल देगा, अम्ल में, यानी आम लाल होता है तो अम्ल लाल में बदल देगा, ठीक है, और जैसे ही लाल में बदल देगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, अब लाल में बदल गया तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, तो देखो कौन है 7 से कम, तो 6 वाला, और वैसे भी आप नहीं भी जानते हो तो ऑप्शन से टिक लगा सकते हो, 7 से अधिक वाला तो क्षारीय होता है, 8 भी 7 से अधिक, 10 भी 7 से अधिक और 12 भी 7 से अधिक, ये तो तीनों एक ही कैटेगरी का हो गया, बच गया डी 6, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एकोरेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, तो याद रखिएगा एकोरेजिया में HCl और HNO3 का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:3 होगा, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है, तो सिंपल सी बात है भाई, 2 7 से कम है एसिडिक होगा, 6 7 से कम है एसिडिक होगा, 7 उदासीन होगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी जो है वो क्षारकीय विलयन का पीएच मान हो सकता है। आगे है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा, अब देखो सीधा सा बात मैंने बताया, लाल कर देता है, सॉरी लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो मैंने बताया था अम्ल होगा तो लाल करेगा, क्योंकि आम लाल होता है तो अम्ल होगा तो लाल करेगा, लेकिन यह नीला कर रहा है तो नीला कौन करेगा,
क्षार करेगा सिंपली, तो क्षार का पीएच क्या होता है, सात से अधिक होता है। तो देखो सात से अधिक कौन है, दस है सात से अधिक, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने तुरंत बताया है, आप इसका आंसर कमेंट करोगे कि क्या होता है। अगला प्रश्न है, नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखो नीला थूथिया का नीला तूतिया का क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है, लेकिन कॉपर सल्फेट तो सब ऑप्शन में है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 5H2O। क्या हो जाएगा, 5H2O। तो इसमें आप देखो ऑप्शन नंबर बी में है CuSO4 × 5H2O, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब तीन चीज़ याद रखना, एक तो नीला थोथा, एक हो जाएगा श्वेत थोथा, ठीक है, और एक हो जाएगा हरा थोथा। जब नीला कहेगा तो कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, श्वेत कह देगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4, और जब हरा कह देगा तो फेरस सल्फेट FeSO4। तीनों याद रखना, तीनों इम्पोर्टेंट है, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, श्वेत थोथा या श्वेत तूतिया जिंक सल्फेट, और हरा थोथा कहा तो फेरस सल्फेट। सभी केमिकल फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। आगे है, बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो देखो मैंने इसमें रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लिए हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सारा का सारा क्वेश्चन याद हो सके, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर का मतलब होता है खाने वाला सोडा, क्या, खाने वाला सोडा। तो खाने वाले सोडे का जो अनुसूत्र होता है वो होता है NaHCO3। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी को कहा जाता है बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, और जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो खड़िया का याद रखिएगा कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। खड़िया का भी यही होता है, सीमेंट का भी यही होता है, ठीक है, और किसी अंडे का जो कवर होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। सीधा इसे याद रखना, जिसमें कैल्शियम लगा होगा वो सॉलिड होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा। आगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक अनुसूत्र क्या है। तो विरंजक जो सूत्र होता है उसको कहा जाता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसी को इस तरीके से भी लिख देगा CaOCl, ठीक है, तो कन्फ्यूज़ मत करना। यहाँ पर भी देखो क्लोरीन दो बार है तो उसी को Cl2 कर दिया है, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो होता है विरंजक चूर्ण का रासायनिक अनुसूत्र होता है। निम्न में कौन अम्ल नहीं है। तो देखो HCl भी अम्ल है, HNO3 भी अम्ल है, और H2SO4 भी अम्ल है। और याद करो मैंने इसी वीडियो में बताया कि जिस भी कंपाउंड में OH जुड़ा होगा अंतिम में वो होगा क्षार। तो देखो इसमें OH है ना, चलो तो ये हो जाएगा KOH, क्या हो जाएगा, अम्ल नहीं है बल्कि क्षार है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। तो आप देख लो सल्फ्यूरिक अम्ल जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये क्या है, अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये केमिकल फॉर्मूला पूछता है भाई, इसको याद कर लेना, इसी को अम्ल राज भी कहा जाता है। आगे, सक्रिय धातु अम्ल से विस्थापित करती है किसको, हाइड्रोजन को। और याद रखना हाइड्रोजन जो है किसी भी अम्ल का प्रमुख लक्षण है, कोई भी अम्ल होगा उसमें हाइड्रोजन होगा ही होगा, ठीक है। तो सक्रिय धातु जो होता है वो अम्ल से किसको, अम्ल से विस्थापित करती है किसको, हाइड्रोजन को। आगे है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीला कर दिया। तो देखो आम होता है लाल, आम कैसा होता है, लाल होता है, मतलब अम्ल जो होगा वो लाल में बदलेगा। तो एक बच गया अब नीला, तो नीला में कौन बदलेगा, क्षार, और क्षार का पीएच सात से अधिक होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जल का पीएच कितना होता है, मैंने इसी वीडियो में बताया, आप कमेंट करके बताओ। अब चलो, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूना जल को दूधिया कर देता है। इस विलयन में निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ उपस्थित है। तो देखो इसमें हो जाएगा HCl, HCl को म्यूटेरिक अम्ल भी कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, विरंजक विरंजन के लिए प्रयुक्त होता है। तो विरंजन के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो भाई जल को जीवाणु रहित यानी जल को शुद्ध करने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, विरंजक चूर्ण का ही प्रयोग किया जाता है।
आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में या फिर नाली वगैरह की जो पानियाँ होती हैं उनको शुद्ध करने के लिए अक्सर इनका यूज किया जाता है, विरंजक चूर्ण का। अब हमें कमेंट करके बताओ विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है आप हमके बताओ, आप हमको कमेंट करके बताना। आगे है बात है विरक्त को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखो कभी भी आपने देखा होगा हमारे घरों में जो बड़े होते हैं अगर वो शेविंग कर रहे होते हैं तो शेविंग करने के बाद फिट करी का यूज करते हैं। किसका? फिट करी का। क्यों? क्योंकि अगर कहीं पर कट गया हो तो वो ब्लड को रोक सके बहने से। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो एसिटिक अम्ल में होती है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या केवल और केवल एक। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्न में कौन सा पदार्थ उत्पादन का गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH4Cl। यह उर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। उर्ध्वपातन का मतलब होता है अगर कोई पदार्थ सॉलिड है तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में आ गया। मतलब हमको पता है कि कोई पदार्थ अगर सॉलिड है तो चेंज होता है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। लेकिन अगर कोई पदार्थ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, ठीक है, लिक्विड में ना कन्वर्ट हो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको बोलते हैं उर्ध्वपातन। आगे है पोटास एलम यानी फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप पढ़ लो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है सी में जो दिया गया है यही पोटास एलम या फिर फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र है। आगे है निम्नांकित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है। तो देखो मैंने पहले ही बताया था जितना कम जाएगा उतना अधिक अम्लीय होगा। सबसे कम कौन है? एक है तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो देखो जो बहुत क्षारक अम्ल होते हैं, ठीक है, उसका अगर उदासीनीकरण करोगे तो क्या प्राप्त होगा? अम्ल लवण ही प्राप्त होगा ना, क्योंकि वो अम्लीय है तो अम्ल लवण ही प्राप्त होगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नांकित में कौन क्षारकीय ऑक्साइड है। तो क्षारकीय ऑक्साइड हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड Na2O। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड होता है Sa2। और याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड ही एसिडिक रैन के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सा? एसिडिक रैन। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और एसिडिक रैन का जो वाटर होता है उसका pH वैल्यू कितना होता है? 5.5 से कम होता है। दिया गया है क्वेश्चन Pb(OHNO3) किस प्रकार का लवण है। तो मैंने पहले ही बताया जिसमें भी OH यूज होगा, ठीक है, OH जिसमें भी यूज होगा वो हो जाएगा क्षार। तो किसमें है? सी ऑप्शन में है क्षारकीय लवण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारे शरीर का pH मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। हमारे शरीर का pH मान कितना? अब देखो ब्लड का pH 7.4 होता है तो इसी हिसाब से आप याद रख सकते हो 7 to 7.8। ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे है अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा जल का pH मान क्या होना चाहिए। देखो अभी मैंने तुरंत बताया वर्षा जल जो होता है वो किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से। अगर पानी में इसकी मात्रा बढ़ गई बारिश के पानी में तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्षा, अम्ल वर्षा, एसिडिक रेन। और एसिडिक रेन कब होगा? जब उसका pH वैल्यू 5.6 से कम हो जाएगा। 5.5 या 5.6 से अगर कम हो जाएगा pH वैल्यू तो उस वर्षा को हम लोग बोलेंगे अम्ल वर्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इस चैप्टर का आखिरी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH2 के जलीय विलयन का निम्नांकित में से किस रूप में उपयोग होता है। तो देखो MgOH2 जो होता है, ठीक है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, याद रखना इसका जो प्रयोग होता है वो एंटासीड के रूप में होता है। किस रूप में? एंटासीड के रूप में होता है। एंटासीड का मतलब समझते हो, जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा यानी कि पेट में स्टमक में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, या कह लो कि गैस बन जाता है तो उस समय गैस को कम करने के लिए एंटासीड का यूज करा जाता है। जैसे कि आप लोग इनो वगैरह का यूज करते हो ना, ठीक है, यह भी एक प्रकार के एंटासीड है। उसी प्रकार से एंटासीड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का भी यूज़ करा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराया आप लोगों को समझ में आया होगा। और इस में जितने भी क्वेश्चन है सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट कर लो, ठीक है, और नोट कर लेने के बाद इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियोस में इसके बाद लाने वाला हूँ
ठीक है, उस सभी का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए, सभी का आपको चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी, फिजिक्स का भी और बायो का भी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।